जी नाज़रीन, मैं हूँ सैयद आसिफ अली, आपके पसंदीदा प्रोग्राम लेट्स टॉक के साथ। और आज हम मौजूद हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अशरफ साहब के साथ, जिनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान में आला तालीम के हवाले से। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज हमें टाइम दिया और आज हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। मुझे आप ये बता दें कि आपने तकरीबन एक साल का कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का चार्ज लिया था, उस एक साल के दौरान आपने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को कैसा पाया और आगे आपका विजन क्या है इसको आगे ले जाने के हवाले से? ये आपका बहुत ब्रॉड सवाल है और इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुझे आने के बाद से जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो ये कि यूनिवर्सिटी एक बहुत सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस में है। इस साल यूनिवर्सिटी का बजट जो मैंने इनहेरिट किया उसमें 600 मिलियन रुपीज़ का डेफिसिट है। उसकी वजह से कई ज़रूरी चीज़ें भी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकती हैं। बिल्डिंग्स का बहुत बुरा हाल है। अगर आप स्टूडेंट के हॉस्टल्स को देखें, गैस लोड शेडिंग की वजह से वहाँ ठंडे पानी के साथ स्टूडेंट्स को नहाना पड़ता है। हमारे यहाँ अभी तक प्रॉपर ऑडिटोरियम नहीं है। इस यूनिवर्सिटी को 48 इयर्स के बाद से प्रॉपर कैफेटेरिया नहीं है। और अगर और छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आने के बाद से मैंने पहला चैलेंज तो यूनिवर्सिटी का ये देखा है कि फंडिंग की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की और इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। उसके बाद से जिस चीज़ को मैंने आने से पहले सोचा था मुझे काम करना पड़ेगा, यानी एकेडमिक साइड पर, उसमें इंशाल्लाह कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए भी हैं और कुछ चीज़ें की जा रही हैं। इम्प्रूवमेंट के हवाले से ये कहूँगा कि पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा परसेंटेज पीएचडीज़ की फैकल्टी में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में ही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जो कि एक टॉप यूनिवर्सिटी को होना चाहिए। यहाँ पर हमारे 70% फैकल्टी के पास पीएचडीज़ हैं। हमारी कोशिश है और इसमें कुछ कामयाबी भी हुई है कि जो बाकी 30% हैं उनको स्कॉलरशिप्स दिलवा करके पीएचडी हासिल करने के लिए बाहर भेजा जा सके। कुछ को ऑलरेडी भेजा जा चुका है। मेरे तकरीबन 3 साल रहते हैं, मुझे 1 साल यहाँ पर हो गया है। मुझे उम्मीद है कि जब तक मेरा टर्म पूरा होगा हम कह सकेंगे कि 100% फैकल्टी जो है वो या तो पीएचडी क्वालिफाइड हैं या पीएचडी प्रोग्राम में कहीं इनरोल्ड हैं। इसके अलावा कायदे आज़म यूनिवर्सिटी बनी ही थी एज अ रिसर्च यूनिवर्सिटी, तो रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए अलावा इसके कि फैकल्टी जिनकी पीएचडीज़ नहीं है उनसे पीएचडी कराई जा रही है, कोशिश है कि हर किस्म की रिसर्च सपोर्ट फैकल्टी को दी जाए। इस सिलसिले में टीचिंग लोड्स को भी कम किया जा रहा है ताकि फैकल्टी ज़्यादा तवज्जो दे सकें अपनी रिसर्च पे। हमारी जो लिमिटेड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं उसमें कोशिश है कि बाहर के प्रोफेसर पाकिस्तान आएँ, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी आएँ, यहाँ न सिर्फ कोर्सेज पढ़ाएँ बल्कि अपनी रिसर्च भी यहाँ करें और शेयर करें हमारे अपने फैकल्टी के साथ। हम अपनी लाइब्रेरी को इंशाल्लाह इम्प्रूव कर रहे हैं, हम कंप्यूटर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि रिसर्च की तरफ जितना ज़्यादा अटेंशन दिया जा सकता है वो किया जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की, मैं ख़ुद इसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी एक पर्पसफुल यूनिवर्सिटी थी जब इसका क़याम अमल में लाया गया, और इसमें है कोटा सिस्टम, पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो डे स्कॉलर्स होते हैं, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद ही के होंगे जो डे स्कॉलर्स होंगे, बाकी तो पूरे पाकिस्तान से आएंगे। और आपने जो हालात बताए हैं हॉस्टल्स के और इंफ्रास्ट्रक्चर के, तकरीबन 50 साल होने को आए हैं, तो ये तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मसला भी होगा। इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको हॉस्टल में दाखिला नहीं मिलता है वो अक्सर करीब के इलाकों में बिल्डिंग्स को रेंट करके वहाँ उनकी रहाइश है। अक्सर वो उस स्टैंडर्ड की नहीं होती है जो होना चाहिए, अक्सर उनको फासला काफ़ी पड़ जाता है। स्टूडेंट्स के लिए तो बेहतर है कि वो ऑन कैंपस हों और वो लेबॉरेटरीज़ के करीब हों, लाइब्रेरी के करीब हों, अपने फैकल्टी के करीब हों। तो ये मसले हैं और इनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है।
जो सबसे बड़ा कदम लिया गया है फाइनेंशियली वो एक ₹3 बिलियन का है जो कि प्रेजेंट किया गया और HEC में वो अप्रूव होने के करीब है, जिसके बाद से हमें उम्मीद है कि प्लानिंग कमीशन में अप्रूव हो जाएगा। उसमें कई हॉस्टल्स भी रखे गए हैं, उसमें एकेडमिक ब्लॉक्स भी रखे गए हैं, और जहां मैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बात कर रहा था, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की तादाद बहुत बढ़ गई है। अब हमारे तकरीबन 9000 स्टूडेंट्स हो गए हैं। हॉस्टल अकोमोडेशन ना होने के साथ हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो न सिर्फ इनएडिक्वेट हैं, जो हमारे पास बसें हैं वो बहुत बुरे हाल में हैं। तो PC1 में बसों के लिए भी एक अमाउंट रखी गई है, हॉस्टल्स के लिए रखी गई है, एकेडमिक ब्लॉक के लिए रखी गई है, ऑडिटोरियम के लिए रखी गई है। अफसोस ये है कि इतने सालों में ये चीज़ उस इदारे में नहीं की गई जिसको HEC ने टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी करार दिया है। डॉक्टर साहब, मतलब हम तो दुनिया को देखते हैं तो दुनिया तो तालीम पर इतना ज़्यादा खर्च कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क, ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें तो उसने अपने एजुकेशन को एज ए ट्रेड डील करते हैं कि दुनिया वहाँ पर पढ़ने आएगी तो उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। हमारे हालात ये हैं कि हमारी जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी है, उसमें रिसर्च में तो हम बाद में जाएंगे, पहले हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा नहीं हो रहा, हम तो इनिशियल मसाइल में इतना घिरे हुए हैं, तो आप इसके ओवरकम कैसे करेंगे? मुझे उम्मीद तो है, जो मैंने ₹3 बिलियन के PC1 की बात की वो हमें उम्मीद है कि अप्रूव हो जाएगा। एक फ्रेंडली मुल्क के एम्बेसी ने हमें प्रॉमिस किया है कि ₹1 बिलियन वो भी हमें कमिट कर देंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो हमें एक स्कूल ऑफ बिजनेस बिल्डिंग बना करके देगी। कुछ और इदारों से भी बात इस वक्त चल रही है, तो उम्मीद तो काफ़ी है कि फंड्स आ जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं हम थोड़ी सी रिसर्च के हवाले से। कायदे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, और आपने भी बताया केमिस्ट्री जो है कि दुनिया में इनका एक नाम है, और पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ते हैं वो PhD भी करते हैं, वो भी दुनिया में जाकर अपना नाम कमा रहे हैं। क्या समझते हैं रिसर्च एंड डिवेलपमेंट के हवाले से हमारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? मैं समझता हूँ एक बहुत ही लिमिटेड बजट पर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ने रिसर्च के फील्ड में जो कुछ अचीव किया है वो ट्रूली रिमार्केबल है। आप देखें कि तकरीबन 10 महीने 12 महीने पहले एक अमेरिका का बहुत मशहूर न्यूज़ जर्नल है, US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के नाम से, उसने दुनिया की बेहतरीन 500 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट तैयार करके छापी थी। उसमें पाकिस्तान से सिर्फ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का नाम है, और वो जो रैंकिंग थी वो रिसर्च पे बेस्ड थी। अगर आप पब्लिकेशंस पर फैकल्टी मेंबर देखें तो कोई और यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में हमारे करीब भी नहीं आती है। अगर आप जिन जर्नल्स में हमारे नेचुरल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोफेसर्स पब्लिश कर रहे हैं वो बहुत ही आला मेयार के हैं। तो रिसर्च के हवाले से मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छी अचीवमेंट की है। अच्छा, अभी आपने जो रिसर्च पेपर्स की बात की है, इसमें कौन से डिपार्टमेंट जो थे वो टॉप पर आ रहे थे? अगर हमारे 26 डिपार्टमेंट्स हैं, अगर मैं आइडेंटिफाई करूं, मैं समझता हूं जिन डिपार्टमेंट्स का आपने जिक्र किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तो बेशक हमारे लीडिंग डिपार्टमेंट्स में हैं और वहाँ बहुत अच्छी रिसर्च परफॉर्मेंस चल रही है। डॉक्टर साहब, सोशल साइंसेज में हम कहाँ खड़े हैं? सोशल साइंसेज में हमारा मसला वही है जो बाकी मुल्क में है। सोशल साइंसेज में PhDs भी कम हैं पाकिस्तान में, और वहाँ पे शायद ओवरऑल वो अहमियत नहीं दी गई है जो देनी चाहिए थी। अच्छा, मतलब हम सोशल साइंसेज में हम पीछे हैं। हमने क्या कोशिश की कि हम अपने जो विद इन द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, हम उनके साथ अपने इदारों को एफिलिएट कर लें? जैसे डिपार्टमेंट डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ है, हमारा डिफेंस काफ़ी मजबूत है, एटमी धमाके भी हम कर चुके हैं। हमने क्या कोशिश की, जैसे NDU अब अभी बनी है, नेशनल डिफेंस कॉलेज हुआ करता था, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बन गई, उसने बहुत सारी कोलेब्रेशन की हैं मुख्तलिफ इदारे। क्या हमने इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी विद इन द स्टेट किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलेब्रेशन की कोशिश की है?
ایسے کولیبریشنز انڈیڈ اس وقت بھی ہیں اور انشاءاللہ اس کو مزید اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی جا کر رہے ہیں, لیکن شاید اس لیول پہ نہیں ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ مزید ہونی چاہیے. کوشش ہوگی کہ اس طرح کی کولیبریشن کو بڑھایا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم انٹرنیشنل کولیبریشن کی بات کریں, بہت سارے لوگ جو ہیں جب ہم ڈپلومیٹک سرکل میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستان میں تعلیم پر بہت زیادہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان سے بہت سارے لوگ باہر بھی پڑھنے جاتے ہیں, کیا کہیں انٹرنیشنل کولیبریشن ہو رہی ہے پازیٹیو وے میں؟ جی ہماری کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس اور کولیبریشنس تو ہیں. ان فیکٹ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 20 یونیورسٹیز پاکستان میں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی امریکہ میں پارٹنر انسٹیٹیوشنز بنا کر کے ایک کولیبریشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے اور اس کو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ فنڈ کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے انڈیویجول پروفیسرز جو اپنے ریسرچ میں کافی نام رکھتے ہیں, انہوں نے انڈیویجول طور پہ بھی اس قسم کی پارٹنرشپس کریٹ کی ہیں, لیکن جس لیول پہ ہم چاہیں گے اس لیول پہ تو ابھی یہ نہیں پہنچا ہے. اچھا ابھی ایچ ای سی جو ہے وہ بہت سارے اسکالرشپس دے رہا ہے, آسٹریلیا کے ساتھ بھی ہمارا چل رہا ہے, امریکہ کے ساتھ بھی چل رہا ہے, وہ کتنا مددگار ثابت ہوگا پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کی امپرومنٹ کے لیے؟ ایچ ای سی جب سے قائم ہوئے 2002 میں اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. اس ملک میں پہلے اتنی یونیورسٹیز نہیں تھیں جو اب ہیں, اور ان یونیورسٹیز میں جس میں جتنے ویل کوالیفائڈ فیکلٹی اس وقت ہیں اس کو تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے 2002 میں. اب ہمارے بہت زیادہ یونیورسٹیز میں بہت بڑے تعداد میں پی ایچ ڈیز ہیں جو کہ پڑھا رہے ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں اس سلسلے میں ایچ ای سی نے بہت اچھا کام کیا ہے. مطلب ایچ ای سی اسی طرح اگر ایچ ای سی نے اچھا کام کیا, نو ڈاؤٹ. میں میرا سوال پھر وہی ہے کہ جو ہمارے لوگ باہر جا رہے ہیں, جی باہر جا کے اب ایچ ای سی کی پالیسی بھی ہے کہ جو اسکالرشپ پہ جائے گا اس نے واپس آ کے پاکستان میں ضرور پڑھانا ہے, وہ وہاں پہ رہ نہیں سکتا جو اسکالرشپ پہ جائے گا. جو اپنے تو اون پر جا رہا ہے وہ تو وہاں پہ رہ سکتا ہے, لیکن جو ایچ ای سی کا اسکالرشپ لے گا اس نے پاکستان میں آنا ہے. تو جو لوگ واپس آ رہے ہیں وہ پاکستان کی ایجوکیشن کی امپرومنٹ میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ ڈفرینٹ لیولس پہ ایجوکیشن کی بات کر سکتے ہیں. پرائمری لیول بالکل ڈفرینٹ ہے ہمارے ہائی اسکول لیول سے یا کالج لیول سے. یونیورسٹیز میں ساری دنیا میں جو سنگل سب سے بڑا پرپس ہوتا ہے کوالٹی ریسرچ, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ بھی ہوتی ہے. پی ایچ ڈیز کے بغیر, پی ایچ ڈی آپ کو ٹرین کرتی ہے کہ آپ ریسرچ کریں. ہمارے جتنی زیادہ پرسنٹیج ہوگی پی ایچ ڈی کوالیفائڈ فیکلٹی کی, اور اچھے یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے جب ہمارے فیکلٹی واپس آتے ہیں, اتنی زیادہ ریسرچ بھی ہماری یونیورسٹی سے پروڈیوس ہوگی. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ جو لوگ باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آ رہے ہیں, تقریباً 700 تو اس دفعہ آسٹریلیا ہی جا رہے ہیں, جو لوگ واپس آ رہے ہیں کتنے لوگ ایجوکیشن سیکٹر میں آتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ دوسرے سیکٹرز میں چلے جاتے ہیں؟ کاش کہ مجھے پراپر اسٹیٹسٹکس معلوم ہوتی. میں اس کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ مجھے یہ اسٹیٹسٹکس نہیں معلوم. اچھا ابھی آپ کو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈیز کے پرابلم تو نہیں آ رہی ہے, یا کچھ ڈپارٹمنٹس میں آپ کو آ رہی ہے سوشل سائنس میں جیسے آپ نے بتایا؟ سوشل سائنسز میں انڈیڈ ہمیں آ رہی ہے, اور ہمارا یہاں ایک اسکول آف مینجمنٹ بھی ہے. جس وقت میں یہاں آیا تھا تو ہمارے 11 فیکلٹی ممبرز میں سے صرف ایک نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. تو مینجمنٹ میں, بزنس میں بہت کمی ہے پی ایچ ڈی کوالیفائڈ فیکلٹی کی. لا میں بھی یہ مسئلہ ہے, اور ویسے تو وہ ڈپارٹمنٹس جہاں پر باہر کے ملکوں میں پی ایچ ڈی بہت مل جاتے ہیں, ان ڈپارٹمنٹس میں بھی ہمیں یہاں پی ایچ ڈیز نہیں ملتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر اس کا آپ نے حل کیا نکالا؟ ظاہر لوگوں کو پڑھانا تو ہے, یونیورسٹی کو رن بھی کرنا ہے, تو بغیر پی ایچ ڈی کے, یا پھر آپ وزٹنگ فیکلٹی ہائر کرتے ہیں؟ ہمارے اکثر ڈپارٹمنٹ سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹس میں نان پی ایچ ڈیز بھی پڑھا رہے ہیں. پی ایچ ڈیز کی نمبرز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, لیکن قائد اعظم یونیورسٹی نے ریسنٹلی یہ کوشش شروع کی ہے کہ جتنے بھی نان پی ایچ ڈی فیکلٹی ہیں ان کو پی ایچ ڈیز کے لیے باہر بھیجا جائے. کچھ جا چکے ہیں, یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یہ آسانی ہے کہ فل برائٹ فاؤنڈیشن کے ہیڈ کوارٹرز یہیں پہ ہیں. ہمارے یہاں فل برائٹ فاؤنڈیشن کے بھی نمائندے آئے, جرمن ایمبسی سے بھی نمائندے آئے, برٹش کاؤنسل کے نمائندے آئے, اور کوشش یہ ہے کہ جتنی فیکلٹی ہے ان کو میچ اپ کریں اداروں کے ساتھ باہر, ان کی فائنینشیل سپورٹ کی جائے اور ان کو پی ایچ ڈیز کے لیے باہر بھیجا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ ہم جو آپ نے ظاہر ہے امریکہ میں بھی پڑھایا ہے اور آپ کے اکنامکس جو ہے وہ آپ کی اسپیشلٹی ہے, مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ ہم کس طرح انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس کے جو تعلیمی میدان میں تجربہ ہے اسے ہم کس طرح پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سب سے آسان طریقہ امپلیمنٹ کرنے کا جو آلریڈی ہو رہا ہے کہ جب ہماری فیکلٹی باہر جا کے تعلیم حاصل کرتی ہے, پی ایچ ڈیز کر کے آتی ہے, تو ان کو وہ نالج ہے جو باہر ان کو کنوے کیا جا رہا ہے, جو ان کو امپارٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر وہ یہاں واپس آ کر کے اسی نالج کو ڈسمینیٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتا دیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈس کی, تو ہمارے پاس ظاہر ہے قائد یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جس میں پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, تو بہت ساری پرابلم ہوتے ہوں گے. ایک نوجوان جو کہ ایچ ایس این سے پڑھ کے آیا ہے, ایک جو جی سی لاہور کا پڑھا ہوا ہے, اور ایک جو لاڑکانہ یا بلوچستان سے پڑھ کے آیا ہے, پھر ان کو کیونکہ آپ کے پاس کوٹا سسٹم ہے, ان کو پھر کس طرح آپ میچ کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جو ہمارا تجربہ ہوا ہے, جو بیکورڈ ایریاز آف پاکستان سے بھی یہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ہم نے ان کو بہت محنتی پائے. شاید وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوٹا سسٹم تو ہے لیکن کوٹا کے اندر بھی میرٹ ہے. تو اگر ہم بلوچستان سے اسٹوڈنٹ کو لیتے ہیں یا انٹیریئر سندھ سے لیتے ہیں یا فاٹا سے لیتے ہیں, وہ اپنے علاقے کے سب سے ذہین اور سب سے ہونہار اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور وہ ہم نے تو دیکھا ہے وہ یہاں کے محنت کرتے ہیں اور ہمیں مسئلے ان کے ساتھ نہیں آئے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں وہ محنتی ہیں. جی. بیسک مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. جی. تو ان ریسورسز کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے کہ ہم اپنے ریسورسز یونیورسٹیز کے بڑھا سکیں؟ کیا حکومت کو پی ایس ڈی پی سے پیسے دینے پڑیں گے یا پھر کوئی اسپیشل انیشیٹو لینا پڑے گا اس سلسلے میں؟ تو میں یہی سمجھوں گا, دیکھیں ہماری ضروریات اس ملک میں صرف ایجوکیشن کے ایریا میں نہیں ہے, صاف پینے کے پانی کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہمیں میڈیکل علاج غریب لوگوں کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے. ان مینی کیسز پراپر رہائش کا بھی انتظام سب کے لیے نہیں ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ سب بچوں کو پرائمری لیول پہ ایجوکیشن دی جائے گی, لیکن ذرائع کی کمی کی وجہ سے یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. تو آپ کا سوال تو ایک براڈر سوال ہوتا ہے. ایز این اکانومسٹ تو میں کہوں گا ہمیں اکنامک گروتھ کی ضرورت ہے. اکنامک گروتھ سے ہمارے پاس جو ریسورسز آئیں گے وہ ہر ایریا آف نیڈ, صرف ایجوکیشن نہیں بلکہ پروویژن آف میڈیکل فیسلٹیز یا صاف پینے کا پانی یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سب پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے وی سی ہیں, ایک سال آپ کو ہو گیا, تین سال آپ کے پاس مزید ہیں, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ آپ اس یونیورسٹی کو ایک ایسے لیول پر لے جائیں کہ یہ عالمی معیار کی یونیورسٹی بن سکے؟ یہ عالمی معیار کی تو میں آلریڈی سمجھتا ہوں, جیسے آپ سے عرض کیا کہ ٹاپ 500 یونیورسٹیز ان دی ورلڈ میں یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ نے ہمیں رینک کیا ہے. میں چاہوں گا جو آپ سے ذکر کیا 70% ابھی ہماری پی ایچ ڈی کوالیفائڈ فیکلٹی ہے, میرے جانے تک 100% یا تو پی ایچ ڈی کوالیفائڈ ہوں یا پی ایچ ڈی پروگرامز میں ہماری فیکلٹی انرولڈ ہو. میری کوشش ہوگی جہاں تک ہو سکے آپ پراپر ریسرچ فیسلٹیز کے لیے پراپر انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت ہے. ہمیں بیسٹ اسٹوڈنٹس کو یہاں لانے کے لیے ہاسٹل اکاموڈیشن کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ کو بتاؤں کہ اسپیشلی ان دا کیس آف فیمیل اسٹوڈنٹس, بہت ساری ذہین فیمیل اسٹوڈنٹس یہاں اس لیے انرول نہیں کرتی ہیں کہ رہائش کا انتظام نہیں ہے, اور ہمارے پیرنٹس کنزرویٹو ہوتے ہیں, وہ آف کیمپس نہیں چاہتے ہیں کہ وہ رہیں. تو یہاں انشاءاللہ اس تین سال میں مجھے امید ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی. آپ سے پی سی ون کا ذکر کیا جو اس وقت ایچ ای سی میں ہے اور پلاننگ کمیشن میں جانے والا ہے. ایک فرینڈلی ایمبسی نے جو ہمیں 1 بلین روپیز کی پرومس کیا ہے, اسٹیٹ بینک, دوسرے ادارے جو ہیلپ کر رہے ہیں. تو حالانکہ ہمارے منسٹر فار پلاننگ جو ہے احسن اقبال صاحب, وہ ایک سے زیادہ موقع پہ کہہ چکے ہیں کہ یونیورسٹیز کو ہارڈ ویئر کی ضرورت نہیں ہے, سافٹ ویئر کی ضرورت ہے. اور ان کا مطلب یہ ہے, ہارڈ ویئر سے ہی مینز برک اینڈ مورٹر بلڈنگز, سافٹ ویئر سے ان کا مراد ہے برینز, یعنی اچھی فیکلٹی ہونی چاہیے. میں نے ان کو کہا ہے اور آپ کو بھی کہوں گا, قائد اعظم یونیورسٹی کا پرابلم اس کے بالکل الٹ ہے.
हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है, हमारी कमी जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की है, यानी हार्डवेयर। तो पाकिस्तान में जनरली ये प्रॉब्लम होगी कि हार्डवेयर की कमी नहीं है, सॉफ्टवेयर की कमी है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इसके बिल्कुल उलट है। ठीक है डॉक्टर साहब, 1967 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बनी थी, तकरीबन 50 साल होने को आए हैं। आप क्या समझते हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जब आज से 20 साल पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान में दो मेन यूनिवर्सिटी होती थी, एक कायद-ए-आज़म और एक पंजाब यूनिवर्सिटी, जिनको पंजाब में कायद-ए-आज़म में दाखिला नहीं मिला करता था वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जाया करते थे। इस 20 साल में हम पीछे गए या थोड़ा सा आगे आए हैं? मैं समझता हूँ आगे आए हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी इस 20 साल में इम्प्रूव हो गई, और स्पेशली पिछले 13 साल में जब से HEC बनी है बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ट्रेन किया गया है, PhDs करके वापस आए। अभी जितने PhDs पाकिस्तान में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, आप 2002 से पहले सोच भी नहीं सकते थे। मैं देखता हूं कि IBA कराची, जिसका मैं डायरेक्टर था 2000 में, 2000 से 2002 तक जब मैंने IBA ज्वाइन किया, वहां एक PhD था। इस वक्त IBA में 60 PhDs हैं। तो आप देखें कि ओवर टाइम कितने ज़्यादा इस एक इदारे में PhDs बढ़ गए। पूरे मुल्क में ये चीज़ हुई है। मैं इवन मर्दान में देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा उनकी परसेंटेज PhDs की हो गई है या PhDs इस वक्त पढ़ रहे हैं बाहर, और हमारे लोकल PhDs अब बहुत प्रोड्यूस होने लगे हैं। और क्वालिटी PhDs कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से तो मैं कम से कम कहूँगा, मैंने देखा है कि जो काम हो रहा है मेरे अपने फील्ड इकोनॉमिक्स में अच्छा ही हो रहा है। हमारे कैंपस पे PIDE है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उनके यहाँ भी PhD हो रही है और आला मेयार के PhDs वो दे रहे हैं। तो मैं आगे काफ़ी ऑप्टिमिज्म के साथ देखता हूँ कि जो HEC और हमारे प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब की जो विजन है, मैं समझता हूँ कि हमारा डायरेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी अगर हम ये देखें कि बाकी आपने बात की कि 2002 के बाद जो था वो पाकिस्तान में PhDs की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि मुशर्रफ साहब की एक पॉलिसी भी थी, डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो थे वो चेयरमैन HEC आए, उन्होंने एक पॉलिसी दी कि पाकिस्तान में भी PhDs ज़्यादा होने चाहिए, वो ठीक है। लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि जो स्टैंडर्ड है यूनिवर्सिटी का, कम से कम साउथ एशिया में हमें ऐसा होना चाहिए था कि अफ़गानिस्तान से, ईरान से या भूटान, नेपाल से लोग हमारे पास पढ़ने आते, हमारे पास ऐसा भी कुछ हुआ नहीं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ और मसले भी हैं, और अल्लाह का लाख शुक्र है कि इस तरफ भी हमें कामयाबी हुई है। जो टेररिज्म का इश्यू था जिस पे हमारी आर्मी ने बहुत कामयाबी हासिल की है, इस किस्म के इश्यूज हैं जिसकी वजह से बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पे आने के बारे में रिलक्टेंट हैं। बट इंशाल्लाह जो बेहतरी पिछले एक साल में हम सब ने देखी है, ये अगर इंशाल्लाह जारी रही और आगे और भी इम्प्रूवमेंट्स आई, तो इंशाल्लाह बाहर के स्टूडेंट्स को भी देखेंगे कि यहाँ पढ़ने आएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि हम इंटरनेशनल रैंकिंग में पहली 500 यूनिवर्सिटीज़ में, साउथ एशिया में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी किस पोजीशन पर खड़ी है? आपको डिफरेंट रैंकिंग्स में डिफरेंट पोजीशंस आती हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ मैं देखना चाहता हूँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और हमारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को, उस लेवल पर हम नहीं पहुँचे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में उसी डायरेक्शन में तो हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम उस लेवल पर पहुंच जाएं? आपकी जितनी अच्छी फैकल्टी होगी, आपके जितने अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, उतना इदारा आगे बढ़ेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छी से अच्छी फैकल्टी, और आपका इदारा इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कोरिया में था तो मैंने कोरियन से पूछा कि साउथ कोरिया में, तो मैंने उनसे पूछा कि दुनिया में सबसे आसान काम क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे आसान काम करना तरक्की करना, दुनिया में सबसे आसान है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा क्योंकि आपके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, ह्यूमन रिसोर्स मौजूद हो और आपके पास रिसोर्सेज हों, तो आप आगे निकल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी हमारे पास एजुकेशन में HEC के पास फंड्स भी हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पास बहुत बड़ी ज़मीन भी है, तो हम कितने अरसे में मकाम हासिल कर सकते हैं? आपके गोल क्या है? 3 साल आपके पास हैं। देखें, मकाम तो एटलीस्ट अगर आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से कर रहे हैं, वो हम हासिल कर चुके हैं। हमारी ऑलरेडी एक वर्ल्ड स्टैंडिंग है, हमारी ऑलरेडी एशिया में एक स्टैंडिंग है, पाकिस्तान में वी हैव बीन फर्स्ट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। HEC ने जब भी रैंकिंग की है तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को फर्स्ट करार दिया है।
लेकिन खूब से खूबतर की तमन्ना और कोशिश तो हमेशा रहेगी। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें सोशल साइंसेज के हवाले से आपका थोड़ा सा और बता दें कि सोशल साइंसेज में आप स्टूडेंट्स को, क्योंकि सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स जब बाहर निकलते हैं तो उनको जॉब्स का बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनके लिए उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है कि जब कोई कम से कम बाहर निकले तो वो ऐसा हो कि उसको जॉब का मसला ना हो, वो इतना इक्विप्ड हो, उसको इतनी ज़्यादा रिसर्च आती हो, इतना ज़्यादा वो इस्टेब्लिश हो कि वो मुल्क के लिए कुछ कर सके, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है आपकी सोशल साइंसेज के हवाले से? मैं समझता हूँ, देखिए ये प्रॉब्लम सिर्फ सोशल साइंसेज के नहीं है, ओवरऑल मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत हाई है, ये आपको मालूम है। मेरे तो सुनने में अब यह है कि इवन इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएट करके उनको जॉब नहीं मिल रही हैं। मेरे सुनने में आया है कि कुछ इदारे हैं जहाँ से लोग MBAs कर लेते हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो ये तो एक और ओवर रीचिंग एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए मेरी नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिसकी तरफ आपको मालूम है कि गवर्नमेंट बहुत तवज्जो दे रही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, आपने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, बहुत सारी जगहों पर आपने जो है पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो हायर एजुकेशन का मेयार है वो किस तरह मज़ीद बेहतर हो सकता है? बहुत चीज़ें इसमें आ जाएंगी, स्टार्टिंग विद आपकी जितनी अच्छी फैकल्टी होगी उतना मेयार आपका बढ़ेगा, आपके स्टूडेंट्स जितने अच्छे होंगे उतना मेयार बढ़ेगा। मेरी ज्यूरिसडिक्शन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हद तक है, लेकिन जो हमारी इनटेक आती है जो कॉलेज से आती है और कॉलेज से पहले जो स्कूलों में पढ़ते हैं उसका भी मेयार बढ़ाने की ज़रूरत है। और शायद जहाँ हायर एजुकेशन पे इतनी एम्फेसिस पाकिस्तान में हुई है, लोअर लेवल्स पे वो एम्फेसिस नहीं हुई है, और इसकी भी बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब दुनिया जो है अगर डिफिट को हम देखें तो डिफिट जो है पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसी तरह जायका को भी देखें तो वही पाकिस्तान में काम करती है, यूएस एड भी इस हवाले से काम करती है। आपने अभी बताया कि एक फ्रेंडली एम्बेसी है जो कि पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग देना चाह रही है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह कोई आलमी इदारा पाकिस्तान के साथ किस लेवल पे कोलैबोरेशन करे, या हुकूमत को क्या चाहिए कि वो आलमी इदारों से किस तरह इस्तेफादा हासिल कर सकती है? शायद मैं कई सवालों का एक ही जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जवाब ये दूंगा, आप देखें हमारे दो बहुत बड़े एरियाज ऑफ स्पेंडिंग जो है उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। अगर आप हमारे बजट को देखें, हमारी डिफेंस स्पेंडिंग को हम कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुल्क की एग्जिस्टेंस तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी रखती है। उसके बाद से जो इतने ज़्यादा कर्ज हमने लिए हुए, और आपको शायद मालूम है कि मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले गवर्नमेंट में हमारे कर्ज डबल हो गए थे उस 5 साल के वक्फे में, तो इतना ज़्यादा कर्ज है, इसकी अदायगी भी हर साल हम पे एक बहुत बड़ा बर्डन है। तो आप जब डिफेंस स्पेंडिंग जो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए हम उसको कम नहीं कर सकते हैं, और जो हम कर्ज अदा कर रहे हैं उस पेमेंट को भी हम कम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज ही बहुत कम रह जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पे अक्सर लोगों की नज़र में उतना खर्च नहीं कर रही है जितना उसको करना चाहिए, गवर्नमेंट पे रिस्ट्रिक्शन भी तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो बात अपनी जगह पे ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया का, जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो एजुकेशन को एज ए ट्रेड लेते हैं, अगर हम यही पैसा जो कि हम डिफेंस पे खर्च कर, डिफेंस पे ज़ायरा में खर्च करना है, उसके बाद हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना है, हमें एनर्जी क्राइसिस उस पर भी हमें खर्च करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एजुकेशन पर भी तो खर्च करना है, क्योंकि अगर हम एजुकेशन पर अगर क्वालिटी एजुकेशन हम पाकिस्तान में अपने स्टूडेंट्स को दे देंगे तो उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम यही इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर दें तो वो जो पैसा हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम बाहर भेजते हैं वो अगर हम हमारी अपनी यूनिवर्सिटी पे लगे और हमारे लोग यहीं से अच्छी तालीम हासिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखें हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती हैं, और मैं भी जब समझता हूँ ये बात पहले भी की कि देखें एजुकेशन यकीनन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन साफ पीने का पानी भी बहुत ज़रूरी है, मेडिकल इलाज गरीबों को करना वो भी बहुत ज़रूरी है, और इतनी सारी प्रायोरिटीज़ हैं और हर गवर्नमेंट को प्रायोरिटीज़ बना करके चलना पड़ता है। मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट ने एजुकेशन को तो बहुत प्रायोरिटी दी हुई है, काश के हमारे रिसोर्सेज और होते कि इस तरफ। अभी आपने खुद जिक्र किया था HEC का बजट बहुत बढ़ गया है इस वक्त, और
پلاننگ منسٹر سے میری ملاقات ہوئی ہے, مجھے معلوم ہے وہ کتنے کمیٹیڈ ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کھل جائے. تو کمٹمنٹ کی کمی گورنمنٹ میں نہیں ہے, ریسورسز کی کمی ضرور ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ تھے ڈاکٹر جاوید اشرف صاحب, قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر. ان کا کہنا تھا کہ کمٹمنٹ کی کمی نہیں ہے, ریسورسز کی کمی ہے. کاش ہمارے پاس ریسورسز ہوتے تو ہم اپنے تعلیمی معیار کو اتنا بلند لے کے جاتے جتنا کہ دنیا میں ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ ہم اپنے تعلیمی معیار کو ضرور آگے لے کر جائیں گے, اور پاکستان جو ہے وہ ضرور ترقی کرے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.